आप सबको पता है टुडे एन एफआईआर अंडर सेक्शन 144 हैज बीन फाइल्ड अंडर पोलिंग एजेंट्स को एजेंट्स हैं पुलिस वेंट एंड दे पिक देम अप बिस्तरे से उनको उठाया और थ्रेटन किया कि आप हमारे साथ पुलिस स्टेशन आओ आप थाने आओ. ऑल दिस हैपेंड ऑन द नाइट ऑफ 24th लगभग 10-12 घंटे पोलिंग से पहले. एट द सेम टाइम क्या हुआ, रात में कैसो स्टार्ट हो गया, बची में कैसो हुआ, दक्षिणीपुरा में कैसो हुआ. और ये चीज नोट करना बहुत जरूरी है कि कैसो आर्मी ने उन जगहों किया जहां पे पीडीपी के ट्रेडिशनल स्ट्रांग होल्ड है, जहां एजेंसीज यहां की जो लोकल है सीआईडी हो कोई और हो वो अच्छी तरह से जानती है साउथ कश्मीर में पीडीपी के बैस्टियन स्ट्रॉन्ग होल्ड कहाँ कहाँ है जहाँ हमारे वोटर निकलते. तो रात में दो चीजें यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने की. सबसे पहली चीज पीडीपी के जो वर्कर्स हैं उनको अगवा किया और ये बोला गया हमें अगले दिन कि ये ओजीडब्ल्यू हैं. आप प्लीज मुझे बताइए हाउ डे यू स्लैंडर आर बॉयज आर पीडीपी वर्कर्स दीज यंग बॉयज दे आर द वंस हु हैव हेल्ड द इंडियन फ्लैग दे हैव केप्ट द फ्लैग ऑफ डेमोक्रेसी फ्लाइंग इन जम्मू एंड कश्मीर. When people find themselves so despondent and the level of alienation, the gap has increased between the people of Jammu and Kashmir vis-a-vis the rest of India. How dare you term our boys as OGWs? रात में ही हमने स्टार्ट किया. जो डीआईजी साहब हैं सब लोग हैं एडमिनिस्ट्रेशन के टॉप ऑफिसर्स हैं. महबूबा जी ट्राई रीचिंग आउट टू देम पर्सनली. आपने देखा होगा मैंने भी एक वीडियो डाला ट्विटर पे. हमें कोई रिस्पांस नहीं आया एडमिनिस्ट्रेशन से. तो ये पक्कड़ धक्कड़ स्टार्ट हो गई. दो चीजें इनने की, पीडीपी के वर्कर्स को उठाया. और आप जानते हैं वर्कर्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टू मोबिलाइज वोटर्स, क्योंकि यही जो हमारे लड़के होते हैं वोटर्स को इनकरेज करते हैं मोबिलाइज कराते हैं. एंड लोगों में साउथ कश्मीर में जहां जहां पीडीपी का ट्रेडिशनल स्ट्रांग होल्ड था वहां लोगों के दिलों में दहशत करने की कोशिश की ताकि ये वोट नहीं डालें. और आप खुद देखिए जो पोलिंग परसेंटेज रही साउथ कश्मीर की, जो हम एक्सपेक्ट करते थे उतना नहीं थी. उसको जानबूझ के जो मरकजी सरकार है इन कहूट्स विद द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उस परसेंटेज को नीचे लाया, क्योंकि ये जानते हैं कि ये लोग महबूबा जी को ही वोट डालना चाहते थे. तो ये जो सारी ये एफआईआर रजिस्टर हुई भी है, आप मुझे बताइए वी लिव इन अ डेमोक्रेसी. अगर एक फॉर्मर इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर इज हिटिंग द स्ट्रीट्स ऑन द डे ऑफ पोलिंग और वो कहती हैं कि आपने मेरे वर्कर्स को क्यों अरेस्ट किया है, मेरे पोलिंग एजेंट्स को क्यों अरेस्ट किया है, तो क्या है वो एंटी नेशनल है? इज दिस सेडिशन कि आप उनके अगेंस्ट ये एफआईआर करते हैं? एंड हाउ डेयर यू पॉन्टिफिकेट अबाउट द एमसीसी टू अस? व्हाट हैव यू बीन डूइंग? 12 घंटे वोटिंग से पहले आप हमारे वर्कर्स को उठाते हैं, आप हमारे पोलिंग एजेंट्स को हरास करते हैं. इज दैट नॉट वायलेशन ऑफ एमसीसी? एंड आई वॉन्ट टू आस्क द होम मिनिस्टर, आई वॉन्ट टू आस्क द प्राइम मिनिस्टर दैट ऑन वन हैंड यू अपलॉड द पीपल ऑफ साउथ कश्मीर अनंतनाग, यू से कॉन्ग्रेचुलेशन यहाँ वोटिंग परसेंटेज बहुत हाई हुई, लेकिन सच्चाई ये है कि आपने यहाँ की वोटिंग परसेंटेज को लो करने की कोशिश की. जैसे आपने पुलवामा में यू प्लेड मिस्चिफ, आपने हमारे वहाँ भी वर्कर्स को उठाया, पोलिंग एजेंट्स को उठाया, क्योंकि आप जानते हैं पीडीपी के स्ट्रांग होल्ड कौन से हैं, उनको आपने सिलेक्टिवली टारगेट किया. तो आज आपको यहाँ बुलाने का यही मकसद था कि ये जो एफआईआर लॉन्च की है दिस इज इंटिमिडेशन एंड वी आर नॉट गोइंग टू टेक इट लाइंग डाउन. पीडीपी आर प्रेसिडेंट मिस महबूबा मुफ्ती नोज द कॉस्ट ऑफ स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर इन जम्मू एंड कश्मीर. आप एक कीमत चुकाते हैं, वो कीमत हम 2019 से चुकाते आए हैं और हम चुकाते रहेंगे. और हमारे जो वर्कर्स हैं, यंग लड़के हैं, हमारे जो बुजुर्ग वर्कर्स हैं, लीडरान हैं, मैं उनका शुक्रिया करना चाहती हूँ और मैं उनको ये यकीन दिलाना चाहती हूँ दैट हम इनके सामने घुटने नहीं टेकेंगे. वी आर हियर टू स्पीक द ट्रूथ. हमने हमेशा सच्चाई का साथ दिया है और हम देते आएंगे. एंड मेरा मैसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को ये है कि यू डेयर नॉट टच आवर बॉयज. दे आर नॉट ओवरग्राउंड वर्कर्स, दे कम फ्रॉम गुड फैमिलीज, दे हैव वर्क. आप लोग यहाँ जमहूरियत का जनाजा निकालना चाहते हैं और हर गिज किसी भी सूरत हाल में हम आपको यहाँ जमहूरियत का जनाजा नहीं निकालने देंगे. तो मैं यही आके आप लोगों से इसी के बारे में बात करना चाहती थी. सुनील, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग. आप मुझे बताइए हमारे पास चारा क्या था? हमारे वर्कर्स को उठाया गया रात में, गुंडों की तरह जेके पुलिस गई जिप्सी में भर भर के उनको बिस्तर से निकाला. आप मुझे बताइए जब हमारे फंडामेंटल राइट्स, योर रोड,
योर फंडामेंटल राइट टू वोट, आपका बेसिक राइट है जमहूरियत में, जो वो हमसे छीना गया। महबूबा जी ने कुछ शोर नहीं मचाया, आप उस प्रोटेस्ट में थे, कुछ गंदे नारे लगाए, एंटी नेशनल नारे लगाए। क्या बोला उनने कि मुझे बताइए इन लड़कों को आपने यहाँ क्यों रखा है, इनको रिहा करिए। और आपने खुद देखा वहां पुलिस कैसे उनके ऊपर ऑलमोस्ट चढ़ रही थी, दे वांट इवन लेटिंग हर टॉक। महबूबा जी का कोई ये इंटेंशन नहीं था कि वो वहां सीन क्रिएट करे, उनको अंदर तक नहीं जाने दिया। शी वांटेड टू गो मीट आवर वर्कर्स बिकॉज दीज यंग बॉयज, इनको रात के 10:30 ले गए। हमें डर लगा कि खुदा ना खासा इनके साथ कुछ अनटूवर्ड ना हो जाए। तो आप मुझे बताइए, जब एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर को शी हैज टू हिट द स्ट्रीट, उनको ऐसे धरना करना पड़ता है, व्हाट इज दैट से अबाउट डेमोक्रेसी? ये लोग तो कहते हैं नॉर्मल सी है, अचानक से आप कैसो कर रहे हैं, आर्मी को ले रहे हैं, वोटर्स को इंटिमिडेट कर रहे हैं, कैसो किया आपने दक्षिणीपुरा में, स्टोन पेल्टिंग कराई बच्ची में, लेकिन आप तो यहाँ कहते हैं सब चंगा सी, यहाँ तो नॉर्मल सी है। तो अचानक, एंड प्लीज कीप इन माइंड कि साउथ कश्मीर का इलेक्शन ये टैसिकली रिग करना चाहते हैं, और इनने बहुत कोशिश की कि ये यहाँ बॉयकॉट तो करें और ये टैसिकली रिग भी करें। इनने देखा पीडीपी के कौन से स्ट्रांग होल्ड हैं, एंड वहाँ डिलिबरेटली इन्हें वोटर टर्नआउट कम किया। इनिशिएटिव लेने की बात नहीं है, मैंने आपको कहा जो हमारी जमात के वर्कर्स हैं, हमारे लीडरान हैं, हमारे जो वर्कर्स होते हैं, मैंने देखा है, मैं 1.5 महीने से कैंपेनिंग कर रही थी, मैं इतनी बड़ी शख्सियत नहीं हूँ, मेरे सारे प्रोग्राम्स ये लड़के ऑर्गेनाइज करते थे, ये अपनी कितनी मेहनत करते हैं, खून पसीना दिन रात एक करके हमारे प्रोग्राम्स करते हैं। दे वॉन्ट टू कीप द फ्लैग ऑफ डेमोक्रेसी हाई हियर एंड यू टर्म देम एज OGWs। आई वॉन्ट टू टेल द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन LG साहब, आई विल नॉट लेट यू स्लैंडर आर बॉयज, दे आर गुड बॉयज, दे आर वर्किंग विद डिग्निटी, और ये सर अपना उठा के जियेंगे। आई विल नॉट लेट यू स्टैंडर देम लाइक दिस। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा है, मैं यहाँ पे किसी भी जमात में कीचड़ उछालने नहीं आई हूँ, सबके अपने ओपिनियन से दिया इंटाइटल टू देयर ओपिनियन। अभी यहाँ आपको बुलाने का ये मकसद था टू मेक यू अंडरस्टैंड कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनने टैसिकली ये इलेक्शन रिग करना चाहा साउथ कश्मीर का, जानबूझ के यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट की, क्योंकि वो महबूबा जी से डरते हैं, वो कायर हैं, वो बुजदिल हैं। मैम आपको क्या लगता है इससे कितना असर पड़ा होगा पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी? देखिए, अगर आप वोटिंग परसेंटेज देखते हैं तो जितना हम एक्सपेक्ट करे थे उतना नहीं हुआ, बट स्टिल लोगों को हमने समझाया। जैसे आपने देखा 25 के दिन मैं बूथ टू बूथ गई, और थैंक गॉड द टर्नआउट वाज स्टिल ओके, बट वी एक्सपेक्टेड अ बेटर टर्नआउट, एंड टर्नआउट इससे भी ज्यादा होता अगर इनने दहशत नहीं फैलाई होती। थैंक यू।